माइसेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हिपैटोमिगैली। क्या होता है हिपैटोमिगैली? हिपैटो मींस लीवर, मिगैली मींस इनलार्जमेंट, लीवर का इनलार्जमेंट। लीवर नॉर्मल से जब लीवर का साइज बढ़ जाता है, जब इसका वेट बढ़ जाता है, तो इसको लोग हिपैटोमिगैली बोलते हैं। क्यों होता है हिपैटोमिगैली, इसको जानने से पहले ये जानते हैं पहले लीवर कहाँ पे सिचुएट रहता है। लीवर के बारे में बोला जाता है कि लीवर एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। लीवर दो लोब से बना होता है, एक स्मॉल लोब एक लार्ज लोब। राइट हाइपोकोंड्रियम से लेकर और इपिगैस्टियम तक ये सिचुएट रहता है। कोस्टल मार्ज कोस्टल के अंदर ही रहता है लीवर। और ये लीवर का जो वेट है 18 साल के बाद ये लगभग 1.5 किलो का होता है। 18 साल से पहले ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या मतलब कि कम होता है ये, क्योंकि जब जन्म लेता है उसके बाद से धीरे धीरे क्या होता है लीवर अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। और 18 साल के बाद इसका जो वेट और लेंथ एकदम फिक्स हो जाता है, क्योंकि 18 साल से पहले ये कम रहता है। तो वही इसका जो नॉर्मल जो साइज जो एक एज के अनुसार एक वेट एक एज के अनुसार जितना होना चाहिए उससे वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाता है या फिर और भी अगर डिटरमिनेशन करते पता देख लेते हैं। तो अब नॉर्मल से जब ज़्यादा साइज हो जाता है या नॉर्मल से ज़्यादा जब वेट हो जाता है इसी कंडीशन को बोलते हैं हिपैटोमिगैली बोलते हैं। अब ये क्यों हो जाता है इसको जानने से पहले ये जानना पड़ेगा हमें कि लीवर जो बना होता है ये छोटे छोटे लोब्यूल से बने होते हैं। ऐसे ऐसे छोटा छोटा लोब्यूल जैसे मधुमक्खी का छाता होता है ना, उसके जैसा ये शेप में ऐसे छोटे छोटे लोब्यूल होते हैं। इस लोब्यूल के अंदर हिपैटोसाइट सेल अरेंज रहता है। इस लोब्यूल के अंदर हम चलेंगे, लोब्यूल का फोटो ऐसे चलेंगे अगर, तो इसके अंदर हिपैटोसाइट सेल ऐसे अरेंज रहता है। एक तरफ सबस्टाइनल कैपिलरी होती कैनाली कुली होती है कैपिलरी, और एक तरफ बाइल कैनाली कुली होता है। तो सबस्टाइनल कैपिलरी और बाइल कैनाली कुली ऐसा जो होता है ये अरेंज रहता है चारों तरफ से, और इसमें बीच में सेंट्रल वेन होता है जो कि ये जो ब्लड है सेंट्रल वेन के बाद या हिपैटिक वेन में चला जाता है। इसके बारे में हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पहले आज हिपैटोमिगैली की बात कर लेते हैं। तो ये आपका इस लीवर में अगर हम इसके बारे में एक सेल के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन इंटर करता है वह दो ब्लड वेसल से अंदर जाता है ब्लड। एक हिपैटिक आर्टरी से ब्लड जाता है और दूसरा पोर्टल वेन से ब्लड जाता है अंदर में। हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन यानी इसमें दो वेसल से ब्लड सप्लाई होती है। हिपैटिक आर्टरी का ब्लड कहाँ से आता है? हिपैटिक आर्टरी का ब्लड आता है सिलियक ट्रंक से, जो डिसेंडिंग अब्डोमिनल एरोटा होता है वहां से आता है ब्लड हिपैटिक आर्टरी में। और जो पोर्टल वेन में जो ब्लड आता है ये ब्लड स्प्लीन और मेजेंटिक वेन स्प्लीन का वेन और मेजेंटिक वेन यानी स्प्लीन का ब्लड और ऑसोफेगस के लोअर पार्ट से लेके रेक्टम तक का ब्लड ये चला आता है किसमें? पोर्टल वेन में। और यहां से ये ब्लड लीवर में आता है और फिर लीवर के बाद यहां से ब्लड हिपैटिक वेन में चला आता है। यहां से ब्लड कहां आता है? हिपैटिक वेन। और हिपैटिक वेन फिर कहां जुड़ जाता है? इनफीरियर वेना कावा में। तो ब्लड ऐसे आया लीवर में और यहां से हिपैटिक वेन के बाद लीवर में या हार्ट में चला जाता है। और जो इसके अंदर कैटाबोलिक सब्सटेंस होगा, कैटाबोलिक क्योंकि लीवर में तो दोनों प्रोसेस होता है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म जो होता है वो पूरा का पूरा सब्सटेंस कहां जाता है? बॉडी में। और जो कैटाबोलिज्म होगा वह एक अलग रास्ते से जिसको बोलते हैं बाइल कैनाली कुली, आगे बाइल डक्ट बनता है
अब बाइल डक्ट के बाद फिर ये गॉल ब्लैडर में आता है, अब गॉल ब्लैडर के बाद सीबीडी के बाद होते हुए और ये ड्यूडेनम में आकर के ड्रेन हो जाता है। तो इससे जो होता है ना वेस्ट प्रोडक्ट जिसको बाइल कहते हैं वो बाइल इस रास्ते से निकलता है, ठीक है। तो ये हुआ इसका नॉर्मल कंडीशन। अब बात करते हैं लीवर का साइज बढ़ता क्यों है। लीवर का साइज बढ़ने का कई रीजन है। सबसे पहला रीजन है इन्फ्लामेशन, हिपेटाइटिस। लीवर में इन्फ्लामेशन होने के कारण लीवर का साइज बढ़ता है। इन्फ्लामेशन कई वजह से हो सकता है। इन्फ्लामेशन होने का रीजन या तो कुछ इन्फेक्शियस एजेंट होगा या कुछ नॉन इन्फेक्शियस एजेंट भी होगा। इन्फेक्शियस एजेंट में वायरस सबसे टॉप मोस्ट पे जो डी प्रोड्यूस करता है वो वायरस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस एफ। ये जो वायरस है ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लामेशन करता है लीवर में। तो ये पहला इन्फेक्शियस एजेंट। इसके बाद आपको मिलेंगे बैक्टीरिया, जैसे लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया है या कुछ अदर बैक्टीरिया है, वह भी लीवर में इन्फ्लामेशन करता है। थर्ड में पैरासाइट, पैरासाइट में आएगा एंटोमेलाइट का, फैसियोला हिपेट का, इससे वजह से भी इन्फ्लामेशन होता है। तो ये जो होता है इन्फेक्शियस एजेंट है, कभी कभी फंगस भी है, कैंडिडाल भी कैंस, यह भी इन्फ्लामेशन करता है। इसके बाद कुछ नॉन इन्फेक्शियस एजेंट जैसे ड्रग्स, ट्रॉमा या फिर अल्कोहल, इसके कारण भी क्या होता है कि हिपेटाइटिस होते रहता है। इसे ट्रॉमा है, एक्सीडेंट के कारण ट्रॉमा हो गया, ब्लो इंजुरी हो गया, किसी तरह से हो सकता है, तो इसके कारण ही हिपेटोमेगैली देखने को मिलता है। नंबर टू फैटी लीवर। अब फैटी लीवर ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थर्ड किसी भी ग्रेड में होगा, तो इसके कारण भी क्या होता है, फैटी लीवर की वजह से भी हिपेटोमेगैली होता है। थर्ड ट्यूमर, लीवर में ट्यूमर होने के कारण बेनाइन ट्यूमर, चाहे हिपेटोसाइटोमा है या हेमेंजियोमा है इसके कारण, या फिर मेलिग्नेंट ट्यूमर, अगर कैंसर अगर हुआ उस केस में भी यहाँ पर हिपेटोमेगैली होती है। प्राइमरी ट्यूमर हुआ या सेकेंडरी ट्यूमर है, दोनों में हिपेटोमेगैली होती है। अगला सिस्ट, लीवर में सिस्ट होने के कारण आप जानते हैं लीवर में कई तरह का सिस्ट हो सकता है। पांच तरह का नर्वस सिस्ट होता है, सिंपल सिस्ट, पॉलीसिस्ट, हाइडाटिड सिस्ट, उसके बाद इन्फेक्शियस सिस्ट और न्योप्लास्टिक सिस्ट। तो चार तरह पांच तरह के सिस्ट होते हैं लीवर में, और किसी भी सिस्ट के कारण क्या हो सकता है, इसका साइज बढ़ जाता है। सिंपल सिस्ट जानते होंगे जो किसी भी एज में हो सकता है, पॉलीसिस्ट जो कि जेनेटिक डिजीज होती है, क्रोमोजोम नंबर 19 के कारण होता है ये, हाइडाटिड सिस्ट जो कि ये डॉग टेपवर्म या फॉक्स टेपवर्म की वजह से होता है, नियोप्लास्टिक सिस्ट एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ होने से होता है, पायोजेनिक और इन्फेक्शियस सिस्ट वहाँ अपसेस और बनने की वजह से हो सकता है। तो ये जो होता है इसके कारण भी हिपेटोमेगैली होता है। नेक्स्ट अगला कारण होता है बर्ड चेरी सिंड्रोम। बर्ड चेरी सिंड्रोम होगी, बर्ड चेरी सिंड्रोम में क्या होता है कि हिपेटिक वेन थ्रोम्बस हो जाता है, इसके कारण भी क्या होता है थ्रोम्बस बनने की वजह से भी यहाँ पर हिपेटोमेगैली हो सकता है। नेक्स्ट है लीवर अबसेस। लीवर में अबसेस होने के कारण किसी भी कारण से पस बन जाता है, अवशेष हो गया, इसके कारण भी हिपेटोमेगैली देखने को मिलता है। तो जितना कोज देखें, और अब जो बात करते हैं ये तो था डिजीज के बारे में, अब जो अगला जो हिपेटोमेगैली होता है यह कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें डिजीज नहीं होती है बल्कि आरी सिस्टम के कारण, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के कारण, वर्क लोड बढ़ने के कारण यह लीवर का साइज बढ़ता है। ये बात याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि लीवर में इन्फेक्शन या डिजीज होता है तभी लीवर का साइज बढ़ता है, कभी कभी आरी सिस्टम के वजह से एक्सेस लोड बढ़ने के कारण, अब्डोमेन में इन्फेक्शन होने के कारण यह लीवर का साइज इस केस में भी बढ़ता है। तो उसमें ज़्यादातर क्या मिलेगा रिपोर्ट, माइल्ड हिपेटोमेगैली। ज़्यादातर जो आरी सिस्टम के कारण जो बढ़ता है ना लीवर, वो आपको माइल्ड हिपेटोमेगैली मिलता है, लेकिन मॉडरेट और सीवियर कभी उसमें नहीं मिलता आरी सिस्टम में। चलिए ये तो हो गया मेरा हिपेटोमेगैली के बारे में कुछ कारण। अब कुछ जो आता है यह सिम्टम, हिपेटोमेगैली होने से क्या सिम्टम होता है। तो देखिए जब लीवर का साइज बढ़ा है, एरिया कम है अब्डोमेन में,
या कोई ना कोई ऑर्गन को कंप्रेस करेगा तो दर्द होगा। तो अब्डोमिनल पेन इसका सिम्टम है, मेन सिम्टम आता है। अगर हम इसको टच करके देखेंगे तो वहाँ पाल्पेशन होगा, हमारे फिंगर पे टेंडरनेस होगा, पाल्पेशन मिलेगी, टेंडरनेस मिलेगी, वहाँ पे स्वेलिंग नजर आवेगा और हो सकता है कि एसोसिएटेड सिम्टम मिल सकता है। जैसे मान लीजिए पौधे अगर जॉन्डिस का सिम्टम आ सकता है, यूरिन का कलर येल्लो हो सकता है, एस्क्लेरा येल्लो हो सकता है, एपेटाइट लॉस हो सकता है ना, एपेटाइट लॉस क्योंकि लीवर का प्रॉब्लम अगर बाइडिंग होती है तो अधिकांश केस में एपेटाइट लॉस होता है। स्प्लीन का साइज बढ़ सकता है क्योंकि लीवर के साइज बढ़ने के वजह से स्प्लीन का भी साइज बढ़ता है। तो जनरली क्या है कि सिम्टम में ये सब मिलता है और बाकी कभी नौजिया है, वोमिटिंग है, तो एनोरेक्सिया है, मतलब भूख नहीं लगता है मरीज को, ये सब भी कभी कभी होता है। तो एसोसिएट कंडीशन में मिल सकता है, जो कंडीशन मरीज के साथ था उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन देखिए लीवर में प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला तो जॉन्डिस आ सकता है, इसकी वजह से माल न्यूट्रिशनल डिजीज हो सकता है, कई विटामिन की कमी होगी, मेटाबॉलिक डिजीज होगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिजीज, लीवर फैट की मेटाबॉलिक डिजीज, प्रोटीन मेटाबॉलिक डिजीज, यानी कई तरह का मेटाबॉलिक डिजीज बॉडी में डेवलप हो जाएगी। विटामिन की भी कमी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे विटामिन को ये स्टोर भी करता है ये, और प्लस उसको रेगुलेट करता है, तो ये भी आपका कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। एसाइटिस भी हो सकता है ना, स्प्लिनोमेगैली, एसाइटिस, पाइल्स, हेमरॉयड, ये सब कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है हिपेटोमेगैली में। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे हम इसमें, तो अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ, ऐसे तो हम लोग अपर एब्डोमेन कराते हैं, एक होल एब्डोमेन करा सकते हैं, इसमें आपको रिपोर्ट में क्या आएगा, हिपेटोमेगैली। दूसरा कराते हैं सीटी स्कैन ऑफ अपर एब्डोमेन, उसमें भी क्या होगा आपको लीवर का साइज बढ़ा रहेगा, प्लस जो डिजॉर्डर होगा मिलेगा, एमआरआई ऑफ लीवर या अपर एब्डोमेन, इसमें भी आपको कॉज होगा वो मिल जाएगी आपको। अगला कराते हैं एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट में हो सकता है कि बिलरुबिन का लेवल बढ़ा रहेगा, और बिलरुबिन में डायरेक्ट बिलरुबिन और इनडायरेक्ट दोनों बढ़ता है, याद रखना है। में अगला कंडीशन एसजीपीटी इंक्रीज रहेगा, एसजीओटी ये भी बढ़ा रहेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये भी बढ़ा रह सकता है, गामा जीटी ये भी बढ़ा रहेगा, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन में भी पॉजिटिव जरूरी नहीं है वो वायरस लगा तब पॉजिटिव आवेगी, एलाइजा फॉर एचसीवी में भी पॉजिटिव, एलाइजा फॉर एचईवी में भी पॉजिटिव, वो तो डिपेंड करता है कि वो है कि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो जांच है वो हम लोग यूरिन के बाल साल बाल पिगमेंट यूरोबिलेंस से कर सकते हैं, लीवर का डिजॉर्डर के बारे में पता कर सकते हैं उससे हम लोग। बाकी हम लोग बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो सकता है बढ़ा रहेगा, ट्राइग्लिसराइड हो सकता है बढ़ा रहेगा, ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे वो भी बढ़ा रह सकता है इसमें। तो जनरली ये सब जांच करा कर देख लेते हैं, हो सकता है कि अल्बुमिन का लेवल डिक्रीज मिलेगा और ग्लोबुलिन बढ़ा रह सकता है। बात करते हैं मैनेजमेंट पे, तो इसका मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी है, जैसा डायग्नोसिस होगा उसके अनुसार मैनेजमेंट है, एक जैसा मैनेजमेंट इसका नहीं है। फिर भी अगर दवा देना चाहते हैं इसके लिए तो चेलिडोनियम, कालमेग, कार्डुअस, लाइकोपोडियम, ये सब बहुत अच्छी दवा है, ये सब दवा हम लोग चलाते हैं, और इसके बाद हम लोग फिर जैसा इटियोलॉजी उसके अनुसार दवा चलाते हैं। ये था मेरा हिपेटोमेगली, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।